स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है मोहित के साथ, जो कि शिवानी और अश्विनी को बताता है कि विराट दादा एनिवर्सरी ट्रिप के बहाने गए हैं विराट दादा सई भाभी को सरप्राइज देने, और ये बात छुपकर पाखी सुन रही होती है और इसे सुनकर उसका दिल फिर से टूट जाता है। अगली सुबह दिखाया जाएगा और भी ज़्यादा ड्रामा पत्रलेखा यहाँ पर करने वाली है। इधर सई और विराट को शॉपिंग करेंगे आई के लिए, जहाँ सई कहेगी विराट से कि मुझे उनके लिए ये साड़ी और ये शॉल लेना है। विराट ये देखकर बहुत खुश होगा और कहेगा कि तुम्हें सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है, और सई कहती है कि हाँ मैं तो चाहती हूँ सबके लिए मैं गिफ्ट्स लेकर के जाऊँ। विराट यहाँ पर सई को कपड़ों की शॉपिंग कराता है और वहाँ पर सई के लिए वो दो सूट सेलेक्ट करता है। इस पूरे सीक्वेंस में आपको एकदम हैप्पी कपल जो हनीमून एंजॉय करते हैं वही देखने के लिए मिलने वाले हैं। और उधर लवर्स पॉइंट निकल रहा होगा रास्ते में से, जहां पर विराट टैक्सी ड्राइवर से कहेगा कि आप गाड़ी यहीं रोकिए, ये शायद वही जगह है जहां सनी ने मुझे सई को घुमाने के लिए कहा था। विराट फाइनली लवर्स पॉइंट पर पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँच कर विराट अपने दिल की बात अपने दोस्त की लव स्टोरी के बहाने बताने की कोशिश करता है, लेकिन सई बार बार समझ ही नहीं पाती कि विराट आखिर कह क्या रहा है। इधर पत्रलेखा आने में सुबह लेट हो जाएगी, सब लोगों को चिंता होगी कि क्या हुआ, आज तक पत्रलेखा कभी इतनी सुबह तक सोती नहीं रहती और वो नीचे क्यों नहीं आई, कहीं उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं, वगैरह वगैरह। यहाँ पर पाखी बहुत लेट आती है और वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा गायब गायब रहती है। सब लोग उसकी शक्ल देखते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन पाखी किसी का जवाब नहीं देती। इधर भवानी पत्रलेखा के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। यहाँ पर पत्रलेखा अपना नाटक शुरू करती है और कहती है मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मुझे तो अब जीने की इच्छा भी नहीं है। ये बात सुनकर सब घरवाले उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, हम जानते हैं सम्राट के यहाँ ना होने से तुम्हारे लिए यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम सब तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे लिए तुम ऐसी बातें मत करो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उधर दिखाया जाएगा कि विराट सनी को कॉल करेगा और कहेगा कि यहाँ तो कुछ बात बन नहीं रही है। विराट को सनी थोड़ा सा और मोरल सपोर्ट देगा और कहेगा कि तू जाकर के भाभी से अपने दिल की बात कह दे। सई भी यहाँ स्टोरी में इंटरेस्ट लेगी और कहेगी कि बताइए विराट से फिर आपके दोस्त ने उस लड़की को प्रपोज़ किया नहीं किया। विराट कहता है कि नहीं किया, क्योंकि उसे आई लव यू कहने में थोड़ी सी शर्म आती है और डर भी लगता है। सई कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो एक फूल लेती है, घुटने पर बैठती है और विराट को प्रपोज करते हुए उसे आई लव यू कहती है और विराट भी आई लव यू टू कह देता है। सई फिर कहती है देखा कितना सिंपल होता है अपने दिल की बात कहना, आप अपने दोस्त को बोलते कि वो ऐसा करता तो वो अपने दिल की बात उस लड़की को पहचान देता। यहाँ पर विराट अंदर ही अंदर सोचता है कि सही मैं कैसे समझाऊं कि मैं जिम्मेदारी से होते हुए तुमसे प्यार करने लग गया हूँ और तुम्हारे लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ, आखिर तुम मेरे दिल की बात कब समझोगी। यहाँ पर सही सोचती है कि शायद विराट सर अपने दोस्त की कहानी के आड़ में अपनी और पाखी दीदी की और सम्राट दादा की कहानी मुझे सुना रही हैं, लेकिन विराट सर आपको जिसे ये सब कहना था आप उसे यहाँ लेकर के आते ना, आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं। विराट जैसे ही कहने वाला होता है कुछ, वहाँ पर एक योगा टीचर आ जाती है और विराट से कहती है विराट तुमने पहचाना, हम मिले थे जहाँ पर तुम और पाखी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, तुम गाते थे और पाखी तुम्हारे गाए हुए गानों पर झूम कर नाचती थी। ये बात सुनकर सई को थोड़ा बुरा लगता है। बाद में विराट इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी वाइफ है। उस योगा टीचर को शॉक लगता है और कहती है कि अच्छा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड और आगे के लिए ऑल द बेस्ट, ये कहकर वो चली जाती है। सई को ये सब सुनकर यकीन हो जाता है कि शायद विराट अभी भी पत्रलेखा से प्यार करता है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर विराट सर पत्रलेखा दीदी को पसंद करते हैं तो इन दोनों को मिलवा देना चाहिए, और वो यही सोचकर अपने आप को पीछे हटा लेती है। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, और कल रात के एपिसोड में वही सब देखने के लिए मिलने वाला है कि विराट को सम्राट की मौजूदगी का एहसास होगा और वो उसे देखने के लिए जाएगा वैन में, जहाँ पर सम्राट अब बहुत सारे बच्चों के साथ में ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ होगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या सम्राट और विराट की मुलाकात हो पाती है। पहले आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।